वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग समान अध्ययन में से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन आने वाला है। बहुत बड़ा सेक्शन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, माय सीजी एग्जाम। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका में कौन से अंगक में डीएनए शामिल होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए मैं इसका आंसर को बता दूं। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसे याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि निम्न में से कौन पावर हाउस ऑफ सेल है, तो उसका आंसर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। और अभी का क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका में किस अंगक में डीएनए शामिल है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज और बता दूं, जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जिसे हम फूड कहेंगे, सिंपल फूड, उसका ऑक्सीडेशन होता है। कहां होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेशन। मतलब रेस्पिरेशन कहां होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है, ये बायो का एक क्वेश्चन है, अगर रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन फूड का क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर जैसे ही मैं एक और सेल बनाऊं, एक सेल है यहां पर, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, रेस्पिरेशन से ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर आता है, और आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज भी इसके अंदर जाता है। तो ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर बॉडी से के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये सब वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाते हैं, CO2 और H2O, एनर्जी ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेवा, जो सर्विस सेक्टर है उसमें नेशनल इनकम के लिए अधिकतम योगदान है। याद रखिएगा कि जो मैंने बताया, सेवा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है अरब। जो चचनामा है उसमें अरब के विजय के इतिहास का बारे में बताया गया है। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं, चचनामा के लेखक का नाम है अली अहमद। नाम याद रखिएगा, अली अहमद नाम है चचनामा के लेखक का नाम। एग्जाम में पूछा जा सकता है, अली चचनामा के लेखक कौन है, तो वो है अली अहमद। और इस ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध के विजय का वर्णन है, इतना याद रखना है। चचनामा के लेखक का नाम है, राइटर का नाम है अली अहमद। इसमें किसके बारे में, विजय अहमद, अरबों की विजय के बारे में बताया, अरबों ने सिंध का विजय किया था, उसके बारे में अली अहमद ने चचनामा नामक ग्रंथ में लिखा है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया गया था, वो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, अभिनव भारत सोसाइटी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर। ठीक है, तो मतलब इस सावरकर ब्रदर्स के द्वारा यह संस्था का स्थापना किया गया था 1904 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार इनमें से किस में दिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कल्याणकारी राज्य, ये जो शब्द है कल्याणकारी राज्य, जिन्होंने पॉलिटी को पढ़ा है वो कल्याणकारी राज्य नाम सुनते ही आंसर टिक कर दिए होंगे इन चारों में से, क्योंकि कल्याणकारी राज्य के बारे में बहुत ज्यादा संविधान में बताया गया है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी ये हम कहते हैं, ठीक है, जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसे ही कहा गया है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा कौन से बैक्टीरिया से निमोनिया रोग होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जिससे निमोनिया होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है ककाई, ककाई बैक्टीरिया से क्या होता है, निमोनिया फैलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है? तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप आंसर पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लॉफिंग गैस या हास्य गैस, इसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाता है, कभी नाम पूछा जाता है, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है और फॉर्मूला है N2O, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, इनमें से किसको सॉलिड वेस्ट हम कहते हैं? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है स्लज, स्लज का मतलब होता है, स्लज हम लोग सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसको स्लज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट जो है वो स्लज का ही एक और नाम है। अगर कचरा पानी पीने से, मतलब किसी पानी में कचरा मिला है, मतलब गंदगी है, पानी गंदा पानी है, तो उससे निम्न में से कौन सा रोग फैलेगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है टाइफाइड, जो टाइफाइड है वो गंदा पानी पीने से फैलता है, ठीक है, इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है टाइफाइड, नाम ऑप्शन याद रखिएगा, टाइफाइड, टाइफाइड है वो गंदा पानी पीने से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से टाइफाइड रोग हो जाता है, ये वर्ड याद रखना, टाइफाइड और गंदा पानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के सेक्शन से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर विटामिन बी, विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है, याद रखना विटामिन बी में क्या होता है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, मृदा से संबंधित मतलब स्टडी ऑफ सॉइल को अपन क्या कहते हैं, तो चलिए इसका सही आंसर बताओ, तो इसका सही आंसर है मृदा विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है, आपने बहुत सुना भी होगा कि विटामिन डी हमको सन से मिलता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हम ऐसा बोलते हैं विटामिन डी, तो विटामिन डी से क्या मिलता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब होता है, जब हम कुछ कैल्शियम वाली फूड खाते हैं जिस फूड में कैल्शियम है, तो विटामिन डी क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, मतलब बॉडी के एब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हमारे बॉडी के लिए सहायता करता है विटामिन डी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, मतलब कमर्शियल एनर्जी का स्रोत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं चलो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कोयला आपको पता है इसका कमर्शियल रूप में यूज होता है, पेट्रोलियम आपको पता है कमर्शियल रूप में यूज होता है, प्राकृतिक गैस भी कैल्शियम कमर्शियल रूप में यूज होता है, अब ये तीनों ही ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत है, तो ऑब्वियसली ईंधन जो है वो कॉमन नेम है इन सारे सोर्सेस का, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ईंधन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी, भारतीय सिविल सेवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कार्नवालिस, कार्नवालिस को हम भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जानते हैं,
नाम याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है, कार्नोवालिस एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। विधान परिषद, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। कुछ राज्यों में ही विधान परिषद होते हैं, सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है 30 वर्ष, 30 साल जो है वो न्यूनतम आयु सीमा है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमर सोनार बांग्ला के लेखक निम्न में से कौन है। आमर सोनार बांग्ला, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है नो डाउट रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमर आमर सोनार बांग्ला के लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन, तो चलो इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। नाम याद रखिएगा, नोबेल प्राइज विनर है ये कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस, 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में आंसर कमेंट करिए। मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो में ये क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं आपसे, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है जिगर। जिगर मतलब लीवर, जो हेपेटाइटिस है वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करता। जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक है वो निम्न में से किसका व्यय का लेखा परीक्षा अकाउंटिंग नहीं करता। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर को बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है स्थानीय निकाय। जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक है वो स्थानीय निकाय का लेखा परीक्षा नहीं करता, ठीक है। ग्राम पंचायत इसका लेखा परीक्षा, या ग्राम पंचायत ही इसका क्या करता है, लेखा परीक्षा करता है। इसे हम ग्राम सेवा बोले, ग्राम सभा बोले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसका कौन करता है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा किससे बनता है, जो उस गांव के मेंबर है जिन्हें वोटिंग का राइट है, वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था। तो चलिए मैं इसका आंसर जल्दी से बता दूं, बहुत सरल क्वेश्चन है, 1925 में क्या हुआ था, काकोरी षड्यंत्र का मामला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को संगमरमर का स्वप्न या अ ड्रीम ऑफ मार्बल कहा जाता है। ताजमहल को क्या कहा जाता है, अ ड्रीम ऑफ मार्बल। उसी प्रकार किस स्मारक को पत्थर के में स्वप्न कहा जाता है, अ ड्रीम इन स्टोन्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है ताजमहल को, उसी तरह से अ ड्रीम इन स्टोन किस निम्न में से किसको कहा जाता है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है पंचमहल। पंचमहल को अ ड्रीम इन स्टोन या पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। इसे पंचमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको दिख रहा है 5 मंजिला के रूप में आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसलिए इसे पंचमहल कहा जाता है, ठीक है। इसका मैं लोकेशन आपको बता दूं, जो पंचमहल है वो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे इंग्लिश में 5 लेवल पैलेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। कैसे करते हैं, 1000 पुरुषों में स्त्री की कितनी संख्या है, इससे हम भारत में लिंग अनुपात की गणना करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है वो है कूड़ा कचरा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है कुल सदस्य का 10वां भाग। अगर 100 मेंबर है, मैं मान के चलता हूं 100 मेंबर है, तो इसका 1/10 मतलब 10 लोग उपस्थित होना ही चाहिए, इसे बोलते हैं कोरम, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है।
ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री, जन्म दर में वृद्धि होता है हमारे यहाँ किंतु मृत्यु दर में कमी है, इससे भारत का जनसंख्या कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये था आज का हमारा एमसीक्यू समान अध्ययन, इसे मैंने कुछ तरह से एक्सप्लेन करने का भी कोशिश किया है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जल्द डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।